सबसे पहले मैं इस संस्कृत के श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ये बोल रहा हूं कि वो जो अखंड मंडलाकार है, वो जो चर और अचर सब जगह व्याप्त है, जैसे इंटरनेट सब जगह फैला हुआ है, वैसे वो जो चर और अचर सब जगह व्याप्त है। तद्पदम दर्शितम, ऐसे 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 तत्व के साक्षात्कार करवाने वाले गुरुओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। सो आई सैल्यूट माई सेल्फ टू ब्रह्म ऋषि पत्री जी, एंड वी ऑल नो दैट ही इज स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी एंड वेल बींग, एंड हिज मेन विजन इज कि हर एक तक ध्यान को पहुंचाना, आनापानासति मेडिटेशन जो कभी गौतम बुद्ध ने शुरुआत की थी और उससे भी पहले था, उसको फिर से रिवाइव किया सर ने, और पिरामिड की पावर को हार्नेस करना सिखाया जन जन को, वेजिटेरियनिज्म लोगों को सिखा रहे हैं और मेडिटेशन की साइंस को डॉक्टर्स में और आम जन तक पहुंचा रहे हैं, और हर दिन का एक एक मोमेंट हर आत्मा को जगाने के लिए लगा रहे हैं। ऐसे युग पुरुष को मेरा नमस्कार है, और मेरा नमस्कार डॉक्टर संगीता नेहरा जी को भी है जो कि आयुष डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं, योगा नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअलिटी को जन जन तक पहुंचा रही हैं, डिजिटल ध्यान योग के माध्यम से लोगों को जागृत कर रही हैं, डॉक्टर अमित गोस्वामी के सानिध्य में पीएचडी कर रही हैं। आपको मुबारक हो मैम। आपने कल शेयर किया कि आप प्राणमय कोष पर, एनर्जी बॉडी पर काम कर रही हैं। आई एम सो हैप्पी, और मेरे सैल्यूटेशंस उन सभी डॉक्टर्स को है जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को जो कि सीकर्स हैं। मैं समझता हूँ जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस मोमेंट पर, वो किसी ना किसी लेवल पर सीकर्स हैं, और मैं भी उसी तरीके से अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि हम सब सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवा वही तेजस्वी नाम अधितमस्तु मा विद्विषा वही। इकट्ठे होकर चलते हैं, इकट्ठे होकर सीखते हैं, एक दूसरे से सीख सीख कर चलते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो इकट्ठी ग्रो करे। इस भावनाओं के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने अभी डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर सचिन को सुना, डॉक्टर श्वेता को सुना, और डॉक्टर सचिन ने बताया कि कैसे फिजिकल बॉडी और मॉडर्न मेडिकल साइंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है हमारा मनोमय कोश, हमारा प्राणमय कोश, हमारा विज्ञानमय कोश और हमारा आनंदमय कोश। मेरी एक छोटी सी कोशिश रही, और वो कोशिश ये थी कि मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस को और जो ये ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज हैं उनको अपने जीवन में अपना के देखूं। सबसे पहले अपने जीवन में अपना के देखूं, जैसा मैम मैंने आपको बताया और सभी को मैं बता रहा हूं कि मैं एमबीबीएस के बाद सीवियर डिप्रेशन में चला गया था और मैं मेरी सुसाइडल टेंडेंसीज थी, तो एक मेरा लक्ष्य था कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रख सकूं, सेफ रख सकूं, अपनी मेंटल हेल्थ को रिवर्स कर सकूं, डिसीज से या डिसऑर्डर से ऑर्डर में लेकर आ सकूं, और इसीलिए मेरी लाइफ में जब योग और प्राणायाम आया तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस किया मैंने कि योग और प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है मानव मात्र के लिए कि जिससे हम अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को रिवर्स कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ हम मनोमय कोश पर क्या काम कर सकते हैं, हम प्राणमय कोश पर क्या काम कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन एक्ट ऑन आवर स्पिरिट बॉडी। ऐसा मैंने सोचकर जो जो टेक्निक्स थी जो मेरे रास्ते में आई वो मैंने अपनानी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड विद अष्टांग योग, आई लर्न इट फ्रॉम स्वामी रामदेव जी, एंड आई बिकेम योग शिक्षक, एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग माई पेशेंट्स इन द ओपीडी टू लर्न सम वंडरफुल थिंग्स ऑफ अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम।
प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चीजें मैंने सोचा कि मैं अपने पेशेंट्स में सिखाना शुरू करूं। और जब मैंने अपने पेशेंट्स को सिखाना शुरू किया तो उसमें एक चैप्टर था योग निद्रा। जब हमने योग निद्रा मैंने करवाना शुरू किया तो आई फाउंड दैट सम ऑफ माय पेशेंट्स एक्चुअली वेंट इनटू अ ट्रांस लाइक स्टेट एंड दे वेंट इनटू द हैपनिंग्स ऑफ और ट्रॉमास ऑफ चाइल्डहुड। सो दे रिग्रेस्ड बैक टू द ट्रॉमास ऑफ चाइल्डहुड, जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने साइकेट्री में लिखा हुआ है। और जब वो लोग अपने चाइल्डहुड में गए, अपने ट्रॉमेटिक इवेंट्स तक गए, तो थेरेपिस्ट की मदद से वो उनको ठीक कर सके, जिसको हमने रिग्रेशन वर्क के नाम से भी जानते हैं, इनर चाइल्ड थेरेपी या इनर चाइल्ड रिग्रेशन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो जब मैंने अपने पेशेंट्स को ये करवाना शुरू किया तो मैंने पाया कि लोग इजीली दे रिग्रेस बैक, एंड देन आई फाउंड दैट सम ऑफ माय पेशेंट एक्चुअली रिग्रेस्ड बैक टू देयर प्रीवियस लाइफ्स। सो आई फाउंड इट वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग। इनफैक्ट आई देन स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज इनफैक्ट ट्रू। एंड व्हेन आई रेड डॉक्टर ब्रायन एल वाइस मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स, I found it very amazing that I was also having very similar experience with my patients. So, मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागी और मैंने पहले हिप्नोसिस सीखा 2009 में, and in 2011 I went to Hyderabad to learn the art and science of past life regression therapy with Dr. Newton Kondaveti. And Dr. Newton Kondaveti was blessed as a doctor. Patriji as his master, and Patriji guided him to start this initiative to teach other doctors and other humanity about the scientific aspects of past life regression therapy. And in a way, we are all indebted to Patriji sir. तो मैंने वहाँ जाकर 2011 में जब ये past life regression therapy सीखा तो I felt so excited, very excited. I came back at that time I was in civil hospital Mani Majra. तो मैं जब वहाँ पर medical officer था तो मैं बहुत excited हुआ इस science को सीखकर। और मैंने क्या किया कि जैसे surgeon लोग अपने सुबह OPD रखते हैं और शाम में अपने operation रखते हैं, तो उसी तरीके से मैंने सुबह अपना OPD करना 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम में एक केस हमने रखना past life regression therapy के लिए और hypnosis के लिए। और 2 साल लगभग 2.5 साल तक हमने लगभग अराउंड 700 पेशेंट्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के सेशंस किए, एंड इट गिव मी फुल इंसाइट्स। एंड देन समथिंग ब्यूटीफुल हैपेंड इन माय लाइफ। मैंने देखा कि मेरे पेशेंट्स मुझे जब भी वेन एवर आई वॉज रेडी, मेरे पेशेंट्स किसी ना किसी तरीके से मुझे नई थेरेपी से इंट्रोड्यूस करवा देते थे। तो 2013 में ही ऐसे ही एक पेशेंट कपल जो थे जो मेरे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर रहे थे, तो दे ब्रॉट मी अ बुक विद द नेम ऑफ यू कैन हील योर सेल्फ विद इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बाय जॉन फ्रीडम। सो आई फाउंड दिस बुक एज अ वंडरफुल वंडरफुल बुक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव इमोशंस विच वी आर कैरिंग इन अवर लाइफ, एंड it gives us tools, very simple easy tool to heal our negative emotions. agar sangeeta ji ma'am aap ijazat dein aur patri ji mujhe ijazat dein to main aapko bahut brief mein emotional freedom technique ko introduce kar sakta hu. aur emotional freedom technique jo hai wo hamare participants ke liye bahut wonderful rahegi. jitne bhi doctors jitne bhi healers वास्तव में ढूंढ रहे हैं कि हम पेशेंट को किस तरीके से हेल्प करें, तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। तो आप लोगों की इजाजत है? यस सर। ओह थैंक यू सो मच सर, आपको प्रणाम करता हूँ। एंड देन आई एम जस्ट इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज अ रिवोल्यूशनरी न्यू मेथड। इट हेल्प्स यू to tap away your negative emotions by tapping on the acupressure points which lie on hand, on face, on head and on chest.
इट इज बेस्ड ऑन द एज ओल्ड ट्रेडिशनल विजडम ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड एक्यूप्रेशर एंड इट इज बेस्ड अपॉन मॉडर्न मेडिकल विजडम ऑफ साइकोथेरेपी एज वेल एज बेस्ड अपॉन द साइंस ऑफ योगा. सो दिस इज ओनली 5-step प्रोसेस. यह है सिर्फ 5 कदम का प्रोसेस है. पहला कदम, जब भी आप किसी बात को लेकर अपसेट फील कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर आप अपसेट हैं, सो वेन एवर यू आर अपसेट विद एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी नेगेटिव पीपल और एनी नेगेटिव हैपनिंग इन योर लाइफ, देन प्लीज डू नॉट इग्नोर इट, डू नॉट बी इन डिनायल मोड, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट यू आर in distress and please kindly measure how much you are in distress. Are you mildly distressed, moderately distressed or you are severely distressed? Or on a scale of 1 to 10, kya aap 0 se lekar 3 tak distress level pe hain, 4 se lekar 7 tak level par distress level pe hain ya 8 aur 10 tak level par distress mein hain? To pehla kadam jo maine aapko bataya, please notice whenever you are in distress, find out why you are in distress and how much distress you are carrying. So this is step one. Now step two is you have to set up an EFT statement. Aapko EFT set up karna hoga, jisme aapko karate chop point par, is point par, side of the hand point par, aise tapping karna hoga, फिंगर से टैप करना होगा. और टैपिंग करते हुए आपको ईएफटी सेटअप स्टेटमेंट बोलना होगा. आपको ये वर्ड याद रखना है, ईएफटी सेटअप स्टेटमेंट. आपको सेकंड कदम पर ऐसे टैप करना है और साथ में स्टेटमेंट बोलना है. और वो स्टेटमेंट ये है कि इवन दो आई एम फीलिंग दिस डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ सच एंड सच इवेंट इन माई लाइफ. फर्स्ट पार्ट आपने ये बोलना है, इवन दो आई एम फीलिंग डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ सच एंड सच इवेंट इन माई लाइफ, डिस्पाइट दिस आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. सो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में आपने अपनी डिस्ट्रेस को बयान किया है, अपने आप को ही बयान किया है. यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ. आपने ये बयान करके एक बहुत खूबसूरत काम किया है. आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम. यू आर सेइंग दैट यस आई एम इन डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग. और सेकंड एस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, आप खुद के खुद हीलर बन रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि डिस्पाइट दिस आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. ये सेकेंड कदम था, ये दूसरा स्टेप था. और इस स्टेटमेंट को आपने ईएफटी के हिसाब से 3 बार बोलना है. जो स्टैंडर्ड ईएफटी प्रोसीजर है उसके हिसाब से आपको 3 बार यहाँ पर ये बात दोहरानी है. इवन दो आई एम इन डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग, डिस्पाइट दिस दैट आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माय सेल्फ. ये आपका दूसरा कदम पूरा हुआ. अब आप आते हैं तीसरे कदम पर. तीसरा कदम जो है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंस वाइज, आपके सिर पर, फेस पर, चेस्ट पर, बिलो द आर्म एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको टैप करना है. ऐसे टॉप ऑफ द हेड, आईब्रो पॉइंट, साइड ऑफ द आई पॉइंट, बिलो द आई पॉइंट, बिलो द नोज पॉइंट, अबव द चिन पॉइंट एंड अबव द नेक पॉइंट एंड अंडर आर्म पॉइंट. सो आपको ये टैपिंग करते हुए बोलना ये है, एक अपना ध्यान जो है डिस्ट्रेस पे रखते हुए बोलना है कि दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, या दिस अपसेट फीलिंग, 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 दिस अपसेट फीलिंग. ऐसे 3 बार बोलते हुए आपने यहाँ जाना है. ये आपका तीसरा कदम पूरा हुआ, थर्ड स्टेप पूरा हुआ. अब आप स्टेप 4 पर आते हैं. स्टेप 4 पर आपने ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है. ऐसे ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड देन काइंडली री एग्जामिन
योर हर्ट फीलिंग और अपसेट फीलिंग और डिस्ट्रेस, प्लीज री एग्जामिन योर इमोशनल डिस्ट्रेस। अब जब आप री एग्जामिन कर लेंगे तो री एग्जामिन का जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, हो सकता है आपको पार्शियल रिलीफ मिल जाए, हो सकता है आपको टोटल रिलीफ मिल जाए, और हो सकता है आपको कोई भी रिलीफ ना मिले। जो भी परिणाम आएगा उसके हिसाब से आपको स्टेप नंबर 5 में जाना है। स्टेप नंबर 5 को हम बोलते हैं स्टार्ट अगेन, दोबारा से स्टार्ट करना है सेकेंड राउंड। और आपने बोलना है कि इवन दो आई हैव सम ऑफ दिस डिस्ट्रेस रिमेनिंग विद इन मी, आपने बोला इवन दो आई हैव सम ऑफ दिस डिस्ट्रेस रिमेनिंग इन मी स्टिल आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मतलब जो डिस्ट्रेस अभी बचा हुआ है आपके अंदर, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डिस्पाइट दिस आई वुड लाइक टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। और सीक्वेंस में आप बोलेंगे दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस डिस्ट्रेस, दिस रिमेनिंग 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 डिस्ट्रेस। दोस्तों ये था 5 कदम का प्रोसीजर। मैंने, क्योंकि मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा जैसे संगीता मैम ने कहा हम वर्कशॉप करेंगे, मैं आपको 1-to-1 बिठा के करवाऊंगा। पिछले 6 सालों में हमने पाया कि लगभग 7,000 से अधिक पेशेंट्स में मैंने EFT के माध्यम से उनकी मदद करने की कोशिश की, और लगभग हमने 60 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट्स को ये टेक्निक्स सिखाई। अब वो अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पेशेंट्स के साथ, अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने अपने पड़ोसियों के साथ यह EFT कर रहे हैं। जो जो उनके कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो उनको EFT कर रहे हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे वो 1,000 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं, कोई 3,000 केसेस कर चुके हैं, कोई इवन 5,000 तक भी केसेस कर चुके हैं EFT के, और वो EFT के अंदर, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के अंदर ग्रो कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स ब्रदर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये एक पावरफुल टेक्निक है, ये इजी टेक्निक है, ये इसको इजीली अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग इस टेक्निक के बारे में सिंसियरली सीखना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो सिंपली YouTube पर जाकर मेरा नाम डालिए डॉक्टर विजय गिरधर, और साथ में EFT डालेंगे तो आपको यह एक वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आने के बाद काइंडली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे हीलिंग ग्रुप में आप मोस्ट वेलकम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम EFT के बारे में चर्चा करते हैं। और मैंने एक क्षेत्र चुना है, मैंने एक क्षेत्र चुना है, और वो है प्राणमय कोश और मनोमय कोश को हील करना। और मैं पा रहा हूँ कि अगर जब हम इसको हील करते हैं तो हमारी स्पिरिट जो है वो वाकई में ही लाइट होती है, और हम आनंदमय कोश तक पहुँच सकते हैं। अगर हम विज्ञानमय कोश को भी जागृत रखते हैं, विज्ञानमय कोश का मतलब है कि जब हम पर्सनल बायस हटाना शुरू कर देते हैं, नॉलेज से, ज्ञान से जब हम बायस को हटाना शुरू करते तो वो विज्ञान बन जाता है। जब ज्ञान कई कसौटियों पर खरा उतरे तो वो विज्ञान बन जाता है। तो जब हम प्राणमय कोश पर काम करेंगे, जब हम मनोमय कोश पर काम करेंगे, तो हमारा विज्ञानमय कोश डेवलप होगा, हमारे अंदर प्रज्ञा जागेगी, डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम जागेगी, और हमारा आनंदमय कोश ब्यूटिफुली लाइट हो सकेगा।